गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल नेम मोंटेसरी एजुकेशनल ग्रुप मसौढ़ी पटना। हम लोग ने पिछला क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग ने 8 भागों में बांटा था। उस 8 भागों में जो फर्स्ट आपका पार्ट आया था वह था आपका नॉन, और नॉन मीन्स होता है आपका संज्ञा। फर्स्ट पार्ट आपका नॉन आता है। आज हम लोग नॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फुल्ली नॉन, पूरी तरीके से आज नॉन कंप्लीट हो जाएगा। और नॉन मीन्स होता है आपका संज्ञा, आखिर ये नॉन है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि जो नॉन होता है कि संसार में जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी स्थान होते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, अगर उसका नाम दे दिया जाता है या बोलते हैं, तो वह आपका संज्ञा कहलाता है। जैसे देखते हैं हम लोग कि नॉन है, नॉन मीन्स हो गया आपका संज्ञा। इसका जो डिफिनेशन है यानी कि परिभाषा कहते हैं, बोला गया है कि ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो संज्ञा होते हैं है ना, वह किसी भी वर्ड, वर्ड के मतलब होता है सब, और ये होता है आपका नेमिंग। नेमिंग का मतलब होता है आपका नाम, यानी कि कोई भी आपके शब्द होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर उसका नाम बोल दिया जाता है वह आपका नॉन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। नॉन को हम लोग ओल्ड इंग्लिश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश के अनुसार, नॉन को 5 भागों में बांटा गया है और मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 3 भाग कौन कौन सा है। आज हम लोग सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग चलेंगे कि ओल्ड इंग्लिश के ग्रामर के अनुसार नॉन को कितने भागों में बांटा गया है। तो बोला गया कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन मीन्स होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड आपका पोर्शन आता है कॉमन नॉन। कॉमन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। थर्ड आपका पोर्शन आता है आपका कलेक्टिव नॉन, और कलेक्टिव नॉन मीन्स आपका समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ आपका जो पोर्शन आता है वह आपका मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन मीन्स आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो फिफ्थ आपका जो पोर्शन आता है वह है आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन मीन्स आपका आता है भाववाचक संज्ञा। हम लोग आज फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं टोटली आपके नॉन के ऊपर, काइंड्स ऑफ नॉन के ऊपर, कि कितने भागों में इसका बांटा गया है, कौन कौन सा नॉन, कौन कॉमन नॉन है, कौन प्रॉपर नॉन है, कौन कलेक्टिव नॉन है, कौन मटेरियल नॉन है, ये तमाम चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर नॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो प्रॉपर नॉन उस नॉन को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता है, वह आपका प्रॉपर नॉन कहलाता है। यहाँ पर बोला गया कि प्रॉपर नॉन इज द पार्टिकुलर, और ये जो पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर का मतलब होता है आपका खास। पार्टिकुलर का मतलब होता है आपका खास। नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि प्रॉपर नॉन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उस नॉन को कहते हैं जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है, वह आपका प्रॉपर नॉन कहलाता है। जैसे देखिएगा आपका एग्जांपल में दिया, आपका नाम है यहाँ पर राज। राज एक लड़का का नाम है। अगर नाम अगर किसी को लेते हैं तो वह आपका कौन नॉन कहलाता है, प्रॉपर नॉन कहलाता है। ये आपका राज एक लड़का का नाम है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है इंडिया। किसी देश का नाम, किसी भी देश का नाम लेंगे तो आपका प्रॉपर नॉन कहलाता है। उसका किसी भी फेस्टिवल का नाम लेते हैं, पर्व का नाम लेते हैं, तो भी आपका प्रॉपर नॉन कहलाता है। जैसे आपके होली दिया हुआ है, उसके बाद अगर किसी लड़की का नाम लेते हैं वो भी आपका प्रॉपर नॉन कहलाता है। जैसे आपका दिया हुआ है अमृता। यानी कि किसी भी कोई व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, स्थान रहे, या जगह का नाम भी रह सकता है आपका, पटना, दिल्ली, कोलकाता, मसौढ़ी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर किसी जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति, वस्तु का नाम रहेगा वह आपका कहलाता है प्रॉपर नॉन। और प्रॉपर नॉन का एक खासियत है कि जब भी वह आपका सेंटेंस में आएगा, चाहे वह शुरू में है, बीच में है या अंत में, उसका जो फर्स्ट जो लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि बड़े अक्षर में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का जो पोर्शन आता है वह है आपका कॉमन नॉन। कॉमन नॉन मीन्स होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। है ना जी, जातिवाचक संज्ञा है क्या? बोला गया कि कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। कास्ट का मतलब होता है जाति, और मतलब होता है या, और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय।
कास्ट का मतलब जाति और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, यानी कि बोल सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है उसे कॉमन कहते हैं। अर्थात कर सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति रहे वस्तु रहे अगर पूरी जाति का बोध करता है या समुदाय या श्रेणी में रहता है तो उसको हम लोग कॉमन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिएगा बॉय, बॉय मीन्स हो गया आपका लड़का, तो लड़का कहने का मतलब कि ये पूरे जाति का बोध हो रहा है, ना कि लड़का कहने से किसी एक का बोध हो रहा है, ये पूरे जाति का बोध हो रहा है, ना कि हम किसी का सुरेश महेश रंजीत ये आपका नाम ले रहे हैं। अगर नाम लिया जा रहा है तो ये आपका प्रोपरन, अगर नाम ना लेकर बोलेंगे पूरे जाति का बोध करना है तो ये आपका बॉय कहने से आपका कॉमन उनका रहता है। उसके बाद देखिएगा हम गर्ल बोल रहे हैं, गर्ल मीन्स होता है आपका लड़की, अगर किसी लड़की का नाम लेते हैं शिवानी तो शिवानी नाम लेने से क्या हुआ, ये किसी खास व्यक्ति का बोध हुआ। अगर व्यक्ति का बोध किसी का नाम आता है तो आपका प्रॉपर ऑन, अगर सिर्फ ओनली फॉर गर्ल बोलते हैं तो आपका कॉमन ऑन कहलाता है। उसके बाद देखते हैं रिवर, रिवर मीन्स होगा आपका नदी, अगर किसी नदी का नाम लेते हैं तो प्रॉपर ऑन सिर्फ रिवर बोलते हैं कॉमन ऑन। नेक्स्ट जो हम लोग का पोर्शन आता है कंट्री, कंट्री मीन्स होगा आपका देश, किसी देश का नाम लेते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो आपका प्रॉपर ऑन, और ओनली फॉर सिर्फ कंट्री बोलेंगे तो वो भी आपका क्या कहलाएगा कॉमन ऑन। नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग को आता है वह है आपका कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन मीन्स होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या जी, बोलेगा कि कलेक्टिव नॉन इज द नेम ऑफ अ स्पेशल ग्रुप और कलेक्शन। ग्रुप के मतलब होता है समूह और कलेक्शन के मतलब होता है संग्रह। ग्रुप का मतलब होता है समूह और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, यानी कि कह सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास समूह या संग्रह का बोध होता है उसी को हम लोग कलेक्टिव नॉन अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसा नॉन जिससे किसी खास समूह या संग्रह का बोध होता है उसे हम लोग कलेक्टिव नॉन अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में देखिएगा आप लोग को लिखा हुआ है टीम, टीम का मतलब होता है आपका टीम है ना जी, तो ये जो टीम आपका जो लिखा हुआ है ये टीम आपका एक खिलाड़ी से टीम नहीं होता, इसमें दो चार पांच जैसे क्रिकेट हुआ तो क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं 11 प्लेयर होते हैं तो एक आपका टीम जैसे इंडियन टीम हो गया है कि नहीं। तो अगर टीम कहने से तो मतलब कि इसमें पूरे संग्रह पूरे समूह का बोध होता है। क्लास, क्लास भी आपका वर्ग है, इसमें कई सारे बच्चे बैठ सकते हैं। आर्मी, कई सारे सेना रहते हैं। बंच ऑफ की यानी कि जिसको बोलते हैं चाबी का गुच्छा, तो ये आपका बंच ऑफ की ये भी आपका रहेगा, चाबी का गुच्छा मतलब अनेक चाबी रहेगा तो उसको हम लोग बंच ऑफ की बोलते हैं। अनेक चाबी रहेगा तो उसको है ना कीज नहीं, आपको इसको बोलना है बंच ऑफ की। नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग आता है वह है आपका मटेरियल नॉन, और मटेरियल नॉन मीन्स होता है आपका द्रवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा संज्ञा जिससे केवल और केवल मापा या तौला जाता है, ना कि हम उसको गिन सकते हैं। यानी बोल सकते हैं मटेरियल नॉन इज द मटेरियल सब्सटेंस है ना जी, मटेरियल सब्सटेंस यानी कि वैसा संज्ञा जिसे केवल और केवल मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता वह आपका मटेरियल नॉन अर्थात द्रवाचक संज्ञा कहलाता है। ऐसे बताइएगा आपके पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ राइस, राइस मीन्स होता है आपका चावल, क्या चावल को गिन सकते हैं नहीं, बल्कि इसको हम लोग मापते हैं तौलते हैं। दूध है, मिल्क, मिल्क मीन्स होता है आपका दूध, क्या दूध को गिन सकते हैं, इसको केवल और केवल ओनली फॉर इसको हम क्या कहते हैं मेजर करते हैं यानी कि माप सकते हैं। घी, घी भी आपको माप सकते हैं है ना। वाटर, वाटर को भी नहीं गिनेंगे। ऑयल आपके इसको भी नहीं गिनेंगे। ऑयल मीन्स होता है आपका तेल, इसको भी नहीं गिनेंगे, केवल और केवल इसको हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग का आता है जो लास्ट आपका जो नॉन का जो पोर्शन है वह आपका अब्स्ट्रैक्ट नॉन अर्थात उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी बोल सकते हैं एन अब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द वंस फीलिंग, यानी वंस फीलिंग का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ अनुभव होता है। फील का मतलब होता है अनुभव, महसूस, यानी कि वैसा संज्ञा जिससे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, न उसे हम छू सकते हैं न हम उसे देख सकते हैं, वह आपका अब्स्ट्रैक्ट नॉन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं देखिए एग्जांपल में आपका दिया हुआ गुडनेस,
गुडनेस का मतलब होता है आपका अच्छाई। क्या अच्छाई को किसी ने देखा है? नहीं देखा है, बल्कि उसका महसूस करते कि वह बहुत ही अच्छा था, अच्छा आदमी था। ये आपका गुडनेस हुआ। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब हुआ आपका सुंदरता, अर्थात यहाँ आपका नाम नहीं दिया कि ब्यूटी से एक लड़की का नाम है, यहाँ पर ब्यूटी का मतलब हुआ आपका सुंदरता। सुंदरता का मतलब हुआ कि बहुत सुंदर है, इसको किसी ने नहीं देखा है। लाइफ, जीवन, लव यानी कि प्यार, यानी कि ये जो तमाम जो चीज़ आपका जो दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुभव करते हैं, है ना जी, बल्कि इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं इसको हम लोग छू सकते हैं, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आपका अपना चैनल मोंटेसरी एजुकेशन ग्रुप मसौली पटना पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।